सदाशिवस्मरंभां शंकराचार्यमध्यमास्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिश्रुतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरास्मीति मूर्तिभेदविभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्गणगणेशाय नमो। वयं सुखं नित्यं सप्रकाशं व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्वेदान्त वेद्यं प्रत्येक परम तदेव नमस्तु नीति निश्चिता मुखिः। तो कहते हैं अभी आगे किस पर था ये टिप्पण दो। हाँ, क्षमा क्षमा पर टिप्पण है कि विषय दोष दृष्ट्या आत्मांकुशेन विषय दोष दृष्ट्यात्मक अंकुशेन मनोरूप मातंगस्य स्वायत्तीकरणं क्षमा। तो क्षमा क्या है करके बताते हैं। दोष दृष्टि से, दोष दृष्टि ही अंकुश है, वैसे अंकुश से मातंग का, हाथी का, कैसा हाथी, मनोरूप हाथी, हाथी का नियंत्रण करना, स्वायत्तीकरण, अपने वश में लाना, उसको क्षमा कहते हैं। तो मन का नियंत्रण करना, और मन ही हाथी के रूप में, हाथी का नियंत्रण असंभव लगता है किंतु संभव है, कैसे, अंकुश से संबंध है, अंकुश से संभव है। तो कैसा अंकुश, यहाँ विषय दोष दृष्टि, विषय में दोष है, कैसे दोष है अभी आप देखेंगे। तो कोई भी विषय जब ये भोग कर रहे हैं तभी भी क्या लगता है कि ये विषय रहेगा, साथ में रहेगा, सुख उत्पत्ति कर रहा है, किंतु सुख हमने देखा था सुख भोग के समय भी दुख ही उत्पन्न करता है, क्योंकि पता है कि ये अभी भोग के बाद चला जाएगा, सुख चला जाएगा, या तो ये विषय मेरे साथ नहीं रहेगा, ऐसे सोच से भी दुख ही उत्पन्न करेगा। और क्या है, जब ही जैसे आप कोई वस्तु ग्रहण कर रहे हैं, जैसे कोई अच्छा लग रहा है, जो भी, अगर मीठा अच्छा लगता है तो मीठा खा रहे, लड्डू खा रहे, तो एक खा लेंगे, दो खा लेंगे, चार खा लेंगे, पांचवा दुख देगा, सुख नहीं देगा। तो वही वस्तु जितनी प्रिय है उतनी ही अप्रिय बन जाती है अगर अतिग्रहण करेंगे। और कुछ विषय ऐसे हैं जिनका जिनकी आदत पड़ जाती है कि अगर इससे सुख प्राप्ति हो रही है, अगर मीठा खाना पसंद है, आज खाया, कल खाया, तीसरे दिन नहीं खाया तो लगता है अरे आज खाना ठीक से नहीं हुआ क्योंकि मीठा नहीं था। तो क्या है कि आदत पड़ जाती है, वो भी एक है कि नहीं है इसीलिए दुख होगा। पहले क्या था, है पर अति है इसीलिए दुख हो रहा था, या तो है और जाएगा इसके लिए दुख था, अभी क्या है कि नहीं है इसीलिए दुख है, तो वो भी दुख ही उत्पन्न करेगा। तो ये सब दोष है उसमें ये। और क्या है कि कुछ कुछ विषय जो है, जो पहले सुख देती थी, वो उतने ही ग्रहण करने से सुख नहीं देंगी, उतने ही सुख के लिए अधिक मात्रा में अगर ग्रहण करेंगे तब जाकर उतना सुख देंगी जितना पहले प्राप्त था। तो जैसे क्या है कि जैसे अभी कहीं जैसे घूमने जा रहे हैं, कोई जगह नहीं देखी है, नहीं देखी है, तब क्या है कि लगता है कि अरे पहली बार देखी कितना सुंदर है, बहुत सुख देती है। फिर क्या, दूसरी बार छुट्टी आई तभी वहीं जाएंगे या कहीं और जाएंगे, कहेंगे कहीं और जाते, क्यों, क्योंकि उसी जगह पे जाएंगे तो उतना सुख नहीं मिलेगा। तो वहां भी जाएंगे तो क्या है कि पिछली बार जो नहीं देखा था वो देखना है, ये नहीं देखना है कि जो देखा था ये तो देखा, ये तो देखा, ये तो देखा, तो उससे भी अति मात्रा में अगर विषय का ग्रहण होगा तब जाकर उतना ही सुख देगी, इसीलिए वो भी एक दोष है। तो इतने सब दोष है और आगे और बताएंगे दोष ग्रंथ के चलते। तो ये हो गया शम। आगे क्या है कि दम, दम का बताते हैं कि दम क्या है तीसरे अंक में। दोष दृष्टि पूर्वकम शास्त्र चिंता रूप, यहाँ पे कुछ त्रुटि लग रही है, कशाघातेन, ठीक है, दोष दृष्टि पूर्वकम शास्त्र चिंता रूप कशाघातेन तत्तत् शब्दादि विषय रूप
विषम मार्गेभ्यः इंद्रिय रूप हयानाम स्ववशता आपादनम दमः। तो दम को कैसे समझा रहे कि दम तो क्या है कि इंद्रियों का नियंत्रण करना करके मूल में बताया। अभी टिप्पणी में बताते हैं कि दोष दृष्टि, जैसे दोष दृष्टि शम के लिए विषय में दोष दृष्टि थी, वैसे ही दम के लिए भी दोष दृष्टि चाहिए। और दोष दृष्टि पूर्वक, दोष दृष्टि होते हुए शास्त्र चिंता रूप कषा, तो आघात जो कर रहे हैं, कषा कषा माने चाबुक जो होता है, उससे जैसे चाबुक या तो किसी से हया हया बोला है यहाँ पे, हया हया यानी अश्व, घोड़ों को जैसे नियंत्रण के लिए चाबुक से नियंत्रण करते हैं, घोड़ों को वश में लाते हैं, वैसे ही यहाँ कहते हैं शास्त्र चिंता रूप कषा। तो ये चाबुक कैसा है, शास्त्र के विषय में चिंता करना, चिंतन करना, वैसे चिंतन रूप कषा से, चाबुक से आघात करते हैं घोड़ों का। घोड़े कैसे हैं, तो कहते हैं इंद्रिय रूप हयाना। तो घोड़े हैं इंद्रिय, तो इंद्रियों का नियंत्रण कैसे करेंगे, जैसे घोड़ों का नियंत्रण चाबुक से करते हैं, वैसे ही शास्त्र रूप चाबुक से इंद्रिय रूप घोड़ों का नियंत्रण करें, उसको स्ववशता आपादनम, और उससे अपने वश में लाए, उसको कहेंगे दमः। और कहां से नियंत्रण कर रहे, किससे उनको अपने वश में ला रहे, कि इंद्रिय किसके वश में थे जो अपने वश में ला रहे, तो कहते हैं तत्र शब्दादि विषय रूप विषम मार्गेभ्यः स्ववशता आपादनम। तो अपने वश में ला रहे, पहले इंद्रिय किस वश में, परांचे खानी हमने देखा था कि बाहर ही इंद्रियां जाते रहती हैं। तो तत्र शब्दादि विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय है तत्र इंद्रियों के। तो शब्द में क्या है कि जो इंद्रिय शब्द में पहले शब्द के वश में थी, कि शब्द सुन लिया तो क्या है कि श्रोत्रेंद्रिय वहां चला जाता है, कुछ जैसे भी अभी कक्षा में बैठे कहीं कुछ शब्द आ गया तो वहां पे इंद्रियां चली जाती है, तो अपने वश में लाना श्रोत्रेंद्रिय को, और वैसे ही आगे आदि पद से हर इंद्रियों को अपने वश में लाना, चक्षुर इंद्रियों को रूप से लेकर अपने वश में लाना, कैसे, शास्त्र चिंता रूप कषा आघातेन, उसको कहेंगे विषम मार्ग। क्योंकि ये क्या है कि ये जितने इंद्रियां बाहर जाएंगी उतने ही आत्म विषय से भटका देंगी, इसलिए विषम मार्ग हो जाएगा। तो वैसे मार्ग से हटाकर अपने वश में लाना, उसको दम कहते हैं। चौथा श्रद्धा क्या है, कहते हैं श्रद्धा यस्य यस्य तो ईश्वराचार्य वेद वाक्यादिषु पूज्यत्व ग्रहेण प्रेमातिशय रूपा निरतिशय भक्ति संजायते तस्यैव वेद शास्त्राचार्य आदिषु श्रद्धा जायते तो न इतरस्य। तो किस किसको श्रद्धा हो सकती है और किसको नहीं हो सकती है, ये बतला रहे कि ईश्वराचार्य वेद वाक्येषु वाक्यादिषु, तो ईश्वर और आचार्य और वेद, ईश्वर का वचन वेद है और ईश्वर का वचन वेद से अन्य भी कहते हैं वो भी है, और आचार्य पढ़ा रहे हैं, तो ईश्वर आचार्य और वेद वाक्य इत्यादि, इसमें पूज्यत्व ग्रहेण की पूजा के अर्ह है, पूजा के योग्य है, ईश्वर पूजा के योग्य है, वेद पूजा के योग्य है, आचार्य पूजा के योग्य है, ऐसे विचार से पूज्यत्व ग्रहेण प्रेमातिशय रूप, वैसा जिसको प्रेम हो अतिशय, उससे उसको क्या कहेंगे, निरतिशय भक्ति कहेंगे। तो वो निरतिशय भक्ति उससे उत्पन्न होगी, उसको नहीं कहेंगे, उससे उत्पन्न होगी, यस्य निरतिशय भक्ति संजायते, अपने आप भक्ति आ जाएगी, क्योंकि जितने पूजा रूप में आप अपने इष्ट देवता को देखेंगे भक्ति उतनी ही बढ़े जाएगी। तो वैसे ही अन्य ईश्वर आचार्य वेद वाक्यादिशु जिसको अतिशय प्रेम रूपा भक्ति, वो निरतिशय भक्ति ही संजायते तस्यैव वेद शास्त्राचार्यादिषु श्रद्धा जाए, तो उसी को श्रद्धा उत्पन्न होगी, उसमें ही श्रद्धा उत्पन्न होगी, ना कि किसी और को, क्योंकि अगर निरतिशय भक्ति नहीं होगी तो श्रद्धा कहाँ से होगी, तो कभी संशय आ जाएगा, तो ये लगता है ठीक नहीं है, हाँ वेदों ने कहा पर मुझे नहीं लगता है ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरा विचार अलग है, भिन्न विचार है, तो उसको श्रद्धा नहीं कहेंगे। तो श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती जिसको निरतिशय भक्ति हो, कि हाँ ठीक है कहा है ऐसा पर मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसका अर्थ क्या है कि वेद ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए,
मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तो मुझे प्रयत्न अधिक चाहिए। तो अपने में अगर दोष होगा तो समझ नहीं आ रहा है, ऐसे भक्ति अगर होगी तो उसमें श्रद्धा उत्पन्न होगी। अतः श्रद्धा भक्ति अपेक्षते, इसीलिए क्या है कि श्रद्धा श्रद्धा भक्ति पर निर्भर है, भक्ति की अपेक्षा है श्रद्धा को, जो श्रद्धा बिना भक्ति नहीं आती। आगे समाधान क्या है, तो समाधान का लक्षण दिया था, अभी कहते लक्ष्य ब्रह्मणि चित्ताएकाग्रम समाधानम। समाधान क्या है, ब्रह्म जो लक्ष्य है, जो मुमुक्षु का लक्ष्य है वो ब्रह्म है, ब्रह्म ज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान से ब्रह्म है प्राप्तस्य प्राप्ति, कि मैं ब्रह्म हूं, ये ज्ञान जो है उससे ब्रह्म की प्राप्ति, जो पहले से प्राप्त था आत्मा रूप में, उसी की प्राप्ति होती है। और इसीलिए क्या है कि चित्ताग्र के जो चाहिए उस ब्रह्म, जो लक्ष्य ब्रह्म है, उसमें जो चित्ता चित्त का चित्त की एकाग्रता जो चाहिए उसको समाधानम कहेंगे। पूर्वम अधिकारी लक्षणे सगुणोपासना या विक्षेप दोष निवृत्ति जन्य चित्त एकाग्रता उक्ता। पहले भी चित्त एकाग्रता कही गई थी, अभी भी समाधान क्या कहते, चित्त एकाग्रता, चित्त एकाग्रम माने चित्त एकाग्रता। तो चित्त एकाग्रता पहले भी कही है, कैसे, पूर्वम अधिकारी लक्षण, अधिकार का लक्षण क्या कहा गया था, सगुण उपासना से विक्षेप दोष निवृत्ति। सगुण उपासना से क्या होता है, विक्षेप दोष निवृत्ति होती है, उससे क्या जन्य होता है, चित्त की एकाग्रता। चित्त चांचल्य चले जाने के लिए चित्त एकाग्रता चाहिए, या तो चांचल चांचल चंचलता होगी या तो चित्त एकाग्रता होगी। तो क्या कहते हैं, सगुण उपासना से विक्षेप दोष निवृत्ति जो होगी उससे चित्त चांचल्य चला जाएगा और चित्त की एकाग्रता होगी, तो वो भी कही गई है। अभी क्या कहा गया, अभी क्या कहा, लक्ष्य ब्रह्म, लक्ष्य ब्रह्मणि चित्ता के ग्रम यानी चित्त एकाग्रता, तो दोबारा कहा गया। तो इन दोनों में क्या भेद है, समाधान रूप जो चित्ते चित्त एकाग्रता है, और पहले जो सगुण उपासना से विक्षेप दोष निवृत्ति से जन्य जो चित्त एकाग्रता है, उन दोनों में क्या भेद है। तो कहते अनयो हो एकाग्रयो हो भेद हतु, क्या भेद है, सगुण ब्रह्म ध्यान वा मूर्ति उपासने वा प्रथमम जायते। तो ये पहली चित्ता एकाग्रता जो है वो कब आती है, तो ये दोनों में क्या भेद है, पहले और दूसरे अंक में दोनों में भेद है, जो क्रम से उत्पन्न होगी, पहले क्रम में जो उत्पन्न होगी उसको क्या, वो जो है पहले जो बतलाई गई है वो सगुण ब्रह्म ध्यान है ना, या तो सगुण ब्रह्म पर ध्यान से, या तो मूर्ति के उपासना से, या तो मूर्ति की कोई इष्ट देवता लेकर उपासना करे, उससे क्या हो, ये पहले चित्त एकाग्रता आती है। उससे क्या होता है, उससे जो आगे जो भिन्न भिन्न गुण कहे गए जो साधक में चाहिए, तो विषय से हटाकर इंद्रियों का नियंत्रण करना, या तो मन को विषयों से हटा के उसका नियंत्रण करना, अपने वश में करना, स्ववश में, ये सब कर सकते जब ये वैसी एकाग्रता हो। और क्या हो सकता है कि जो श्रवण है वो भी, उसमें भी मन नहीं भटकेगा, वहां पे मन केंद्रित हो जाएगा, तो उसको पहला एकाग्रता है, वो पहली एकाग्रता है। उसके बाद द्वितीयम, तो ये दूसरा जो अभी बता रहे समाधानम, उसको कहते हैं तो निर्गुण ब्रह्मणि अनवरत स्थित्या। तो ये आगे चल के समाधानम, जैसे क्या होगा, समाधानम जो समाधि कहते हैं योग शास्त्र में, समाधि कहते हैं, और समाधान में भेद नहीं है क्योंकि वहां भी चित्त एकाग्रता है, यहाँ पे चित्त एकाग्रता ब्रह्म पे है क्योंकि ब्रह्म ही विषय है। योग शास्त्र में जो समाधि की गई है वो भी वही विषय पर है, उसमें अगर ब्रह्म ही विषय ले लेंगे तो समाधि जो योग शास्त्र में है और ब्रह्म लक्ष्य ब्रह्मणि चित्ता की एकाग्रता जो समाधान है उसमें कोई भेद नहीं होगा। तो समाधि और समाधान का एक तो ल्युट प्रत्यय से, समाधानम ल्युट प्रत्यय से, वहां पे समाधि की प्रत्यय से है, तो दोनों में अर्थ में भेद नहीं है, एकाग्रता ही है, वैसी एकाग्रता जहां भिन्न कुछ और नहीं बचता। तो किससे भिन्न नहीं बचता, जो ध्यान का विषय है उससे। अभी ध्यान का विषय योग शास्त्रों में प्रणव हो सकता है, गुरु हो सकते हैं, इष्ट देवता हो सकते हैं, या तो कोई कोई अच्छा गुण भी हो सकता है, जैसे अगर अगर कोई जैसे कोई अच्छा गुण नहीं है जो जिसका निवारण करना है, तो उससे जो विपरीत अच्छा गुण है उस पर ध्यान लगाओ करके योग शास्त्र में कहा गया, तो उस पर ध्यान लगाएंगे तो उस पर मन केंद्रित होगा और कुछ नहीं बचेगा, उसी पर समाधि लगेगी। और जो समाधि योग करता है, जो योगी है, जो योग क्रिया है और योग का जो विषय है, वो तीनों एक हो जाता है, त्रिपुटी जिसको कहते हैं, वो एक हो जाता है विषय में।
यहाँ पे भी क्या है कि विषय में समाधान माने द्वितीयंतु निर्गुण ब्रह्मणि अनवरत स्थित्या। तो अनवरत स्थिति जो है नित्य, अनवरत माने नित्य, तो जो नित्य स्थिति है कि जो हटती नहीं है, किसमें? निर्गुण ब्रह्म में जो स्थिति है, निष्ठा माने नितराम स्थिति, निष्ठा, या तो जिसको निधि ध्यासन कहेंगे। निधि ध्यासन क्या है कि निष्ठा, स्था गति निवृत्तो, स्था जो धातु है कैसे अर्थ में, निष्ठा भी नी पूर्वक स्था धातु है, तो गति निवृत्तो, गति निवृत्ति के अर्थ में कि और कहीं मन नहीं भटकता, एकाग्रता ऐसे है कि लक्ष्य ब्रह्म में ही ठहरती है। और वो क्या है, आत्मा से अभिन्न है, मेरे स्वरूप से अभिन्न है, तो उसी में मन ठहरता है, इसीलिए भिन्न जगह नहीं जाता, उसी को क्या कहेंगे, समाधान कहेंगे। तो ये दूसरा चरण है समाधान का। आगे ये दूसरे पन्ने पर, अगले पन्ने पर उपरति कहा है, तो उपरति क्या है, तो पहले अंक में कहते त्यक्ति अपि विषये कथंचित पुनः प्राप्ते, ये ठीक नहीं दिख रहा था, कहते कि ये क्या है कि ये पन्ना क्या है कि बदलने के बाद ये दाएं बाएं चला जाता है, अभी थोड़ा ठीक से दिख रहा हो, इसने कहा था ये ठीक से दिखता नहीं है स्क्रीन पर। सो त्यक्ते अपि विषये कथंचित पुनः प्राप्ते पूर्व अनुभव जनित वासनावशात पुनः इच्छा अनुदय वैराग्य से फलीभूत अवस्था उपरति ही इत्युच्यते। तो उपरति क्या है कि फलीभूत अवस्था है, कि फल है उपरति, ऐसा वैराग्य जो फल रूप में प्राप्त होता है। वैराग्य भी क्या है, वैराग्य और उपरति में भेद नहीं दिखता, क्योंकि क्या कहा है उपरति, क्या कहा है, ससाधना नाम ऐहिक अमुष्मिक भोग हेतु नाम लौकिक वैदिक कर्मणाम स्रक्चंदनादि विषयाणाम विशेषतः स्त्रीणाम च परित्याग हालाहलवत्। तो परित्याग कहा गया, तो परित्याग क्या, वैराग्य में परित्याग ही है, परितः त्याग, पूर्ण पूर्ण त्याग, परित्याग परितः माने पूर्णतः, पूर्णतः त्याग करना, ऐसा नहीं कि थोड़ा रखेंगे थोड़ा छोड़ देंगे, उसको नहीं कहेंगे उपरति, नहीं कहेंगे वैराग्य, कह सकते हैं, किंतु क्या है कि वैराग्य होते हुए भी क्या है कि फिसल जाते हैं कोई। तो अभी क्या कहते हैं, देखिए कि त्यक्ते अपि विषय, जो छोड़ दिया है विषय, त्यक्ते अपि विषय कथंचित पुनः प्राप्त, तो विषय आपको नहीं छोड़ता, आप छोड़ दो विषय नहीं छोड़ता, क्योंकि क्या है कि विषय तो वही है, विषय का त्याग कर देंगे तब भी, अभी जैसे अभी डायबिटीज है किसी को, इसीलिए समझिए कि वही उदाहरण ले ली, लौकिक उदाहरण, मीठा नहीं खाना है, पर मीठा तो आपको नहीं छोड़े, माने मीठा तो अभी जहां जहां जाएंगे मीठा तो अभी रखा हुआ है भोजन में, मीठा रखा हुआ है, तो तभी क्या है कि त्याग तो कर दिया पर विषय है सामने, तो कथंचित पुनः प्राप्ते, आ गया है चलो ग्रहण करे नहीं करे, अभी क्या करे, छोड़ तो दिया है मैंने। तो कहते पूर्वानुभव जनित वासना वशात, पहले वो सुख देता है, वो तो है वासना में है, संस्कार है, जो जो अनुभव है वो सभी अनुभव संस्कार वासना छोड़कर जाते हैं, संस्कार या तो वासना की, वासना वशात क्या हो जाएगा, इच्छा अनुदय पूर्व अनुभव जनित वासना वशात पुनः, जो इच्छा आती है, आती थी पहले, अनुदय उसका उदय ना होना, पहले क्या है कि पहले जब ही वैराग्य तीव्र नहीं होगा तभी क्या होगा कि इच्छा तो होगी, अभी क्या होगा कि अनुभव क्या है कि इससे मेरा मेरे डायबिटीज बढ़ जाता है। तो भले ही ऐसे लौकिक उदाहरण दे रहा हूं, आगे इसको लेके साधक के रूप में जोड़ दिए कि साधक क्या विचार करता है, उस विचार से कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है, इसका ग्रहण करूंगा तो मैं साधक नहीं रहूंगा, तो इसीलिए जो जो ग्रहण करता है उसका त्याग कर दिया उसने, तो इसीलिए क्या है कि पूर्व अनुभव जनित वासनावशात पुनः इच्छा अनुदय, उस वासनावश से भी, वासना तो है किंतु क्या है फिर भी इच्छा उदय नहीं होती, कि उच्छा इच्छा भर नहीं आती, कि ऐसा नहीं लगता कि इसका ग्रहण करें, तो वैराग्य से फलीभूत अवस्था, और वो जो वैराग्य का फल है, पहले जो वैराग्य था उसका फल क्या होगा, उपरति हो जाएगी, उपरति इत्युच्यते। तो वैराग्य क्या है, तो फिर वैराग्य का फल अगर उपरति है तो वैराग्य क्या है, उसमें कैसे भेद करेंगे, तो कहते अप्राप्ति विषये दोष दृष्टि पूर्वकम इच्छा अनुदय वैराग्यम इति फल भेद। दोनों में क्या इच्छा नहीं आती, उपरति में भी इच्छा का न होना, इच्छा इच्छा का उत्पन्न न होना अगर उपरति है और वो वैराग्य का फल है, तो इच्छा का न आना ये वैराग्य भी है, वैराग्य में भी वही है, इच्छा न आना, इच्छा का उत्पन्न न होना, किंतु कैसे कैसे न आना,
तो दोष दृष्टि पूर्वकम कहते हैं कि दोष की दृष्टि कि कैसे कि बुद्धि को लगा के विचार कर कर फिर इच्छा का उदय न होना, उत्पन्न न होना, उसको वैराग्य कहेंगे। ये दोष की दृष्टि लगानी पड़ती है, इसमें दोष क्या है चिंता करनी पड़ती है। किंतु ये जो फलावस्था है उसका, वैसे ही दीर्घ काल तक अगर वैसे दोष देखते हम वैराग्य रूप जो इच्छा का क्या इच्छा न होना, इच्छा का उत्पन्न न होना जिसको वैराग्य कह रहे, अगर बहुत समय तक अगर वैसे दोष दृष्टि विचार से त्याग करेंगे तब जाकर वैसी वासना बैठ जाएगी। कि पहले क्या थी वासना, विषय की वासना थी, अभी क्या है कि विषय के दोष दृष्टि की वासना अधिक हो जाएगी। जब वो अधिक मात्रा में हो जाएगी, पहले के विषय की इच्छा का जो कि जो वासना थी उससे अधिक विषय के दोष दृष्टि की वासना अगर अधिक हो जाएगी तब जाकर क्या होगा, तब जाकर पूर्व अनुभव जनित जो वासना वश है उसके वश में नहीं आएगा। तभी क्या होगा कि इच्छा बिना दोष दृष्टि लगाए माने बिना विचार किए कि इसमें दोष है, अपने आप इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। वो फलीभूत अवस्था है, उसका फल है वैराग्य का उपरत ही। माने वैराग्य में विचार करना पड़ता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है। दूसरे में क्या है, उपरति में विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, दोनों में इच्छा उत्पन्न नहीं होती विषय में। आगे दूसरा क्या है, ससाधन कहा है, उपरति के लक्षण में कहा ससाधना नाम ऐहिक अमुष्मिक भोग हेतु नाम कर्मणाम, लौकिक और वैदिक कर्म हो और विषय हो, तो अपने साधन के साथ कर्म का परित्याग कहा है ससाधन। तो यहां क्या कहते हैं कि ये ससाधन जो कहा है उसमें कहते हैं पत्नी पुत्र वित्त वित्त वयो अवस्था जाति अभिमानादिकम कर्म साधनम। तो कर्म साधन क्या है, ससाधन कर्म का त्याग करे कहा करके परित्याग उसको कहा है उपरति। तो क्या क्या साधन है कर्म के, लौकिक और वैदिक साधन कर्म के साधन क्या है, तो साधन कहते हैं पत्नी साधन है, जो वैदिक या तो लौकिक जो भी कर्म कर रहा है, अगर गृहस्थ है तो पत्नी साधन है, वैदिक है तो वैदिक कर्म के लिए अधिक कर्मों के लिए पत्नी होनी चाहिए, तो पत्नी साधन है, कर्ता भी साधन ही है कारक है, किंतु ये कर्ता जो यजमान है उसके लिए पत्नी साधन है। तो पुत्र भी साधन है, लौकिक हो या वैदिक कर्म के लिए पुत्र साधन है, आगे जाकर अगर पुत्र हो तो पुत्र से कुछ कर्म कराते, या पुत्र होना ही एक श्रेष्ठ माना गया है शास्त्रों में कि अगर कोई कर्म कर रहा है तो पुत्र होना चाहिए उसको। अगर ब्रह्मचारी है या तो गृहस्थ है जिसको पुत्र नहीं है, उनके उनसे अधिक अधिकार किसको है, अधिकारी गृहस्थ जिसको पत्नी भी है जिसकी जीवित है और जिसका पुत्र भी है उसको श्रेष्ठ माना गया, तो इसीलिए वो भी साधन बन जाएगा। पत्नी पुत्र वित्त धन चाहिए, बिना धन के तो लौकिक और वैदिक दोनों कर्म ही नहीं कर सकते। और क्या है कि हर कोई कर्म हर वय अवस्था में नहीं हो सकता, इसीलिए आयु भी वैसी होनी चाहिए, उतना ही जैसे गृहस्थ होने के लिए एक आयु चाहिए तो वयस वैसा होना चाहिए, वयो अवस्था। फिर अवस्था भी कि क्या है कि गृहस्थ है तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था जो है उसके उसमें जो जो नियम बताया है उसमें जैसे कृष्ण केश है ऐसा वय और अवस्था होनी चाहिए, इसको जो विवाह भी करे तभी उसके केश काले होने चाहिए, ऐसे नहीं कि पक गए उसके बाद विवाह करे, तो केश काले होने चाहिए तब जाकर विवाह करे, तो ऐसे कहा गया है शास्त्रों में। तो वित्त वयोवस्था जाति वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि, तो इसमें अभिमान होगा तो वो अभिमान होना चाहिए, बिना अभिमान कैसे करेगा कि अगर मैं सोचूंगा कि मैं ब्राह्मण नहीं तो ब्राह्मण का कर्म कैसे करूंगा, वैश्य हूं नहीं हूं, तो हमने देखा था कल के पाठ में कि वैश्यों को कुछ याग में अधिकार है जिसमें ब्राह्मणों को नहीं है क्षत्रियों को नहीं, वैसे ही क्षत्रियों को कुछ कर्म में अधिकार है राजस्व इत्यादि, तो अगर वो क्षत्रिय हूं इसमें अभिमान नहीं रखता है तो वो कैसे करेगा कर्म, इसलिए अभिमान भी चाहिए। तो आदि पद से जो भी ले लीजिए कि जो जो साधन चाहिए वैसे कर्म के लिए लौकिक हो वैदिकों के लिए वो सब कर्म साधन बन जाएंगे, और उन साधनों के साथ कर्म का त्याग करें उसको उपरति कहेंगे। तीसरा क्या है, तीसरा अंक हमने देखा था ये स्त्रीणाम करके, विशेषता स्त्रीणाम करके लिखा है, और मैंने कहा था स्त्री उपलक्षणीय
पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष का त्याग करें, हमने देखा था। तो ये क्या है कि अधिकतर ये दृष्टि क्या है, वैदिक जो है उसके लिए ग्रंथ लिखे गए, तो वैदिक पुरुष जो है जो आचरण कर रहा है जिसको यज्ञोपवीत इत्यादि है उसके दृष्टि से ग्रंथ लिखा हुआ है, तो जिस जब भी स्त्री लेंगे तभी पुरुष करके यहाँ पे शब्द का व्यत्यास कर देंगे। तो यहाँ पे स्त्री क्यों कहा है, पुरुष का स्त्री के लिए जो आकर्षण है उसका परित्याग करें, तो स्त्री करके विशेषता क्यों लिखा है, तो आगे कहते हैं ननु विषय ग्रहणेनैव स्त्री रूप विषयस्य गृहीतत्वात् पुनरुक्ति अनर्थिका इति चेत्। आगे सिद्धांती न कहेगा, पूर्व पक्षी क्या कहते हैं कि पूर्व पक्षी कहता है कि विषय ग्रहण जो कर दिया है पहले, कि क्या कहा है विषयों का विषयाणाम सृगचंदन आदि विषयाणाम, तो आदि पद से हर कोई विषय आ गया, वहां पे स्त्री भी आ गई, क्योंकि स्त्री भी पुरुष के लिए विषय है, जैसे पुरुष स्त्री के लिए विषय है, अपने से भिन्न जो है वो सब विषय है। तो अगर मैं अपने को सशरीर पुरुष मानता हूं तो मेरे से भिन्न जो जो सृक है चंदन है स्त्री है या भिन्न पुरुष भी है वो भी विषय ही है, किंतु यहाँ पे कि विशेषता स्त्री करके क्यों कहा गया है, तो कहते हैं उसमें पूर्व पक्षी कहता है कि ननु विषय ग्रहणेन एव स्त्री रूप विषयस्य गृहीतत्वात्, स्त्री तो उसमें विषय ग्रहण में आ गई, विषय बन गई पुरुष के लिए, तो भिन्न क्यों कहा गया, तो गृहीतत्वात् पुनरुक्ति दोष हो गया है अनर्थिका, इसमें तो कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ हो गया कि आपने पुनः स्त्री का क्यों 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 बतलाया कि विशेषतः स्त्री करके स्त्री नाम, तो विषय पहले जो बताया सृगचंदन आदि विषया नाम उसमें विषय में स्त्री भी आ गई है, पुनरुक्ति दोष है अनर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है इसी इति चेत न। सिद्धांती कहता है नहीं, क्यों विशेषता क्यों कहा गया, तो उसको समझाते अतीत अनंत कोटि जन्मार्जित स्त्री विषय उपभोग जनित वासनाया तीव्रतरत्वा, तो कहते हैं कि ये सभी विषयों से क्या है कि भिन्न लिंग जो है उसमें आकर्षण अधिक होता है, और वो विषय होते हुए भी उसका अलग भिन्न विशेषतः उसका बतलाना आवश्यक है, क्योंकि अतीत अनंत कोटि जन्म जो है, अनंत कोटि जन्म माने अनादिकाल से जो जन्म है अतीत जो पूर्व जा चुके, उसमें हर जन्म में हर एक जन्म में अधिकतर क्या है कि ये वासना पहले से है, तो कहते हैं स्त्री विषय उपभोग, तो स्त्री भी विषय है हाँ, किंतु भिन्न भिन्न जो विषयों का उपभोग करते उससे अधिक, तो कि पत्नी रूप में या तो पति रूप में उपभोग अधिक है, क्योंकि क्या है कि बाकी विषय तो साथ में नहीं रहते, अगर विवाहित है तो पुरुष के लिए स्त्री तो पूरे दिन रात साथ में ही है, वैसे ही इसलिए भिन्न विषय से अधिक इसमें लगाव अधिक है, तो कहते हैं स्त्री विषय उपभोग जनित जो वासना है वो अधिक है तीव्रतरत्वात्, ये तीव्र है। शब्द स्पर्श रूप रस और वो क्यों ऐसे क्यों कहते हैं, तो बताते भी है कि क्या है कि देखिए कोई भी विषय ग्रहण कर रहे हैं, आप समझिए कि आपको ये पहले कहा सृगचंदन इत्यादि, तो अगर सुगंध पसंद है चंदन का, चंदन लगाते हैं क्यों, क्योंकि सुगंध पसंद है, फूल लगाते हैं सुगंध पसंद है, या तो चलिए पुरुष भी कुछ और ये क्यों चाहिए अलंकार कर रहे हैं कोई, क्यों अच्छा लगता है, तो जो भी है उसमें हर एक विषय में क्या देखेंगे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, अधिकतर क्या है कि कोई भी विषय लेंगे एक दो या तो तीन गुण मिल जाएंगे, क्यों दिखने में अच्छा है, फूल दिखने में भी अच्छा है और सुगंध भी अच्छा है, तो फूल जो विषय है उसमें क्या है कि दो गुण मुझे प्रिय है, रूप दिखने में बहुत ये गुलाब बहुत सुंदर है, और क्या है कि कमल का फूल बहुत सुंदर है या तो गुलाब सुंदर है, और क्या है कि इसमें सुगंध अच्छा है, ये दो गुण है, किंतु अभी जब तक गुलकंद नहीं खा रहा तब तक ये नहीं कहूँ गुलाब खाने में अच्छा लगता है तो नहीं कहूंगा, गुलकंद बनाएंगे तो भिन्न विषय हो गया, किंतु क्या है कि उसमें रसन ग्रहण नहीं कर रहा हूं, तो ऐसे क्या है कि भिन्न भिन्न विषय में भिन्न भिन्न गुण एक या दो या अधिकतर तीन गुण जो है वो प्रिय लगते हैं, किंतु अभी क्या है कि ये जो अलग लिंग है उसमें क्या कहते हैं कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध मैथुनात्मक षडिंद्रिय विषयाणाम एकत्र एव स्त्री पिंडे संभवात, तो कहते हैं भिन्न लिंग में जो है कि ये सभी पांचों का और छठे इंद्रिय का मैथुन का ये एकत्र ग्रहण होता है, इसीलिए क्या है कि सभी इंद्रिय अगर एक साथ चल रही है तो उसका उसकी वासना अधिक ही होगी, इसीलिए कहते हैं स्त्री पिंडे संभवात सर्वेभ्यो अपि विषयेभ्यः संसारण आरणव निमज्जन हेतु भूतेभ्यः स्त्री व्यक्तेः एव
प्रबलतरत्वात् सर्वानर्थ मूलत्वात् च स्त्री रूपे विषये अतितराम वैरस्यम वैरस्यम संपादनीयम इति अभिप्रायम द्योतयितुं पुनर्ग्रहणम। तो पुनः ग्रहण क्यों किया, ये दोषनीय क्योंकि जब भी कोई विषय सूक्ष्म होता है या उसमें अधिक दोष होता है तो उसके निवारण के लिए अधिक दोष दिखलाते हैं। तो कहीं अर्थवाद भी कहते हैं, तो क्या है कि कभी कभी क्या स्त्री निंदा भी कर देते हैं। क्यों करते, नहीं निंदा न्याय है, स्त्री की निंदा के लिए निंदा नहीं करते क्योंकि उसमें क्या है कि ब्रह्मचर्य इत्यादि गुणों का जो अर्थवाद या तो उनके जो गुण की प्रशंसा करनी है उसके लिए स्त्री निंदा कर देते, वैसे ही स्त्री के लिए पुरुष निंदा कर देते। निंदा नहीं निंदा निंदितुम प्रवर्तते किंतु विधेयम स्तोतुम, ये नहीं निंदा न्याय है। कि नहीं निंदा न्याय क्या है कि निंदा जहां शास्त्रों में की गई है वो निंदा के लिए नहीं है, उसके जो विपरीत जो गुण है उसके प्रशंसा के लिए, तो निंदा रूप में ना देखे किंतु उससे वैराग्य उत्पन्न करके उसके विपरीत जो है उस गुण की प्रशंसा के लिए कहीं कहीं अर्थवाद में अधिक कह देते। तो यहाँ क्या कहते हैं कि सभी एक ही जगह केंद्रित है इसीलिए सभी गुणों का एक ही जगह अधिक वासना हो जाती है उससे, उसके अनुभव से। सर्वेभ्य अपि विषयेभ्य संसारार्णव निमज्जन हेतु भूतेभ्यः। तो क्या कहते हैं, जो विषय जो हेतु है, सभी विषय जो हेतु है किसके लिए, संसार अर्णव, संसार समुद्र, संसार रूप जो समुद्र है उसमें निमज्जन हेतु जो है, उसमें डूबे रहने का जो हेतु है वो सभी क्या है कि उससे स्त्री व्यक्ते है एव प्रबलतरत्वात्, एक ही व्यक्ति में प्रबलतर होने के कारण सर्व अनर्थ मूलत्वाच्च, और क्या हेतु बन जाएगा कि इसीलिए क्या है कि सभी अनर्थों का हेतु, हमने पहले ही कहा है कि इंद्रियों का विषय में जाना ये तो हमने कहा है कि अनर्थ है। अभी क्या कह रहे हैं कि वही कह रहे हैं कि हमने ये बतलाया है तो ये सभी गुण अगर एक ही जगह केंद्रित होंगे तो उसी स्त्री पिंड हो पुरुष पिंड हो एक ही यहां अगर सभी इंद्रिया केंद्रित हो रही है तो वो तो प्रबलतर हो जाएगा, इसीलिए अनर्थ का मूल ही वही हो जाएगा क्योंकि एक ही जगह आपको सभी इंद्रियों का व्यवहार हो रहा है। इसीलिए क्या कहते हैं, स्त्री रूपे विषय अतितराम वैरस्यम, अति वैराग्य चाहिए वहां पे संपादनीय उत्पन्न करना चाहिए इति अभिप्रायम ज्योतेतु, वो अभिप्राय प्रकट करने के लिए पुनर्ग्रहण, पुनः हटकर स्त्री या तो पुरुष ये भिन्न लिंग का विषय से हटकर भी एक बार और पुनः ग्रहण करके दिखाया गया। तथा चुक्त, और कैसे कहा गया ये, यस्य स्त्री तस्य भोगे इच्छा निस्त्री कस्य को भोग भूहु, स्त्रियं त्यक्त्वा जगत त्यक्तम जगत त्यक्त्वा सुखी भवेत। तो यहाँ जहां जहां स्त्री है, पहले और एक बार कह रहा हूं, स्त्रियों के लिए पुरुष ग्रहण कर दीजिए वहां पे, कि यस्य स्त्री तस्य भोगे इच्छा, जिसके पास स्त्री है उसको भोग इच्छा तो रहेगी स्त्री की, निस्त्री कस्य जिसके पास स्त्री नहीं है जो विवाहित नहीं है को भोग भू, तो वहां भोग की संभावना कहाँ है। स्त्रियम त्यक्त्वा, स्त्री को छोड़कर क्या कहते हैं, जगत त्यक्तम, प्रपंच ही का ही त्याग हो गया है, जैसे जिसने स्त्री का त्याग कर दिया पुरुष ने और जिस स्त्री ने पुरुष का त्याग किया, जगत त्यक्त्वा सुखी भवे, और क्या है कि जब भी इंद्रिया एक या और केंद्रित नहीं हो रही है तो इंद्रिया अंतरंग हो सकती है और उसके बाद अंतरंग साधन बनता है ये वैराग्य, इसीलिए सुखी भवेत कहते हैं। लिंदु माभिगाम, लिंदु माभिगाम ऐसे छांदोग्य में कहा गया, ये तो क्या है कि ये अभी ये देखेंगे आप गंभीरानंदी इत्यादि अगर उनके, या माधवानंद जी जिन्होंने रामकृष्ण मठ में जिनका आंग्ल भाषा में अनुवाद किया अंग्रेजी में, वो भी इनका सब अनुवाद नहीं करते। अगर आप देखेंगे पंचाग्नि विद्या में कुछ कुछ जहाँ पे स्त्री और पुरुष संबंध के द्वारा बात किया गया उसका अनुवाद नहीं करते, ऊपर ही ऊपर कुछ कहकर छोड़ देते। तो यहाँ लिंदु माभ ऐसा ही है, यहाँ पे क्या क्या कि स्त्री होने के बारे में बात कर रहे हैं और कहते हैं कि जिसको इसमें आकर्षण होगा वो अपने मार्ग से फिसल जाएगा, ऐसे छांदोग्य में भी आठवें अध्याय में अंतिम अध्याय में कहा गया है, तो उसका भी एक प्रमाण रूप में दे देते। सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः, ये तो कठोपनिषद में आया है जहाँ पे नचिकेत को यमराज बहुत कुछ देते हैं, जो उसमें से एक अंश भी मिल जाए तो आज का व्यक्ति तो, और वो भी क्या है कि अगर बच्चा हो तो कहेगा वाह इतना मिल रहा है, किंतु ऐसा वैराग्य था उसको, तो नचिकेता क्या कहता है कि सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः, जो जो आप विषय दे रहे हो तो क्या कहते हैं कि ये सरताहा ये अप्सरा सब ले लो, और अपने आप रथ और सब लेकर आएंगी
कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, तो कहता है कि मुझे अप्सराओं की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंद्रियों का तेज सब हटा देती है, कि भोग से उपलक्षण है सभी इंद्रियों का, जो भी जो अंग्रेजी में कहते हैं वेयर एंड टेयर, जितना उपयोग करेगी उतना ही कम काम आएगा आगे, इसीलिए कहते हैं सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। यहाँ रुकते, अगले ये खत्म कर देते। अथ यद यज्ञ इत्याचक्षते ब्रह्मचर्यम एव तत्। तो कहते हैं कि ये याग भी क्या है, ब्रह्मचर्य को ही याग के रूप में उसकी प्रशंसा की गई है छांदोग्य में। इत्यादिना बहुप्रपंचेन विस्तार से भिन्न भिन्न ग्रंथों में, उपनिषद में, गीता में, इत्यादि हर जगह यही बताया गया है कि जहां सबसे अधिक आकर्षण होता है वही तीव्रतर इच्छा होती है, उसका त्याग पहले करें तो बाकी तो अपने आप हो जाएगा। इसीलिए केवल ब्रह्मचर्यस्य स्त्री विषय परित्याग लक्षणस्य वैराग्यस्य दहरादि उपासनानंतरम प्राप्य ब्रह्मलोकावाप्ति साधनत्व उच्यते। तो कहते हैं कि कौन ब्रह्मलोक में जाएगा, ब्रह्मलोक का साधन क्या बनेगा? तो कहते हैं कि ऐसा वैराग्य साधन बनेगा जिसमें जिसका लक्षण क्या है, स्त्री विषय परित्याग। तो वैसा वैराग्य हो जो भिन्न लिंग का परित्याग करे, वैसे विषय का परित्याग करे, वो वैराग्य जिसमें है, वैसा वैराग्य जिसमें है, उसको क्या है, दहरादि उपासना जो कहा है, दहर आकाश माने हृदय आकाश, हृदय आकाश में परमात्मा का ध्यान करे, ये दहर विद्या कही गई है। तो उसमें क्या है कि वो जो उपासना है वो क्या वो ब्रह्मलोक प्राप्ति कराती है। तो कहते हैं दहरादि उपासनांतर प्राप्य ब्रह्मलोक अवाप्ति ही साधन त्वम उच्यते। अवाप्ति साधन, तो ब्रह्मलोक के प्राप्ति साधन क्या है, दहरादि उपासन है। और दहरादि उपासना भी किसके लिए संभव होगा, जिसको वैराग्य होगा, नहीं तो उपासना के समय भी मन वही भटकेगा जहां वासना अधिक है, और वासना अधिक कहाँ होगी, जहां सबसे अधिक इंद्रियां काम कर रही है। इसीलिए कहते हैं कि वैसा वैराग्य ही साधन बन जाता है ब्रह्मलोक के लिए उपासना द्वारा, धर आदि उपासना आदि आदि पद से, बाकी उपासना भी है, एक ही बताया, धर आदि आदि पद है ना, बाकी सब उपासना, ये वैसे वैरागी को ही उत्पन्न करा देता है ऐसा फल, ऐसे कहते हैं। इसीलिए भी अगर जीवन मुक्ति ना मिले तो भी ब्रह्मलोक द्वारा क्रम मुक्ति मिल जाती है, किंतु ऐसा वैराग्य जिसको उसी को मिलती है, इसीलिए वो वैराग्य साधन बनता है, वैसा वैराग्य ही साधन बनता है। क्योंकि कहते हैं कि परित्याग लक्षण से वैराग्य से, वैसा वैराग्य जो केवल ब्रह्मचर्य रूप से प्राप्त है, वैसा वाला ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए साधन बन जाता है, कारण बन जाता है। आगे हम और देखेंगे अगले पाठ में, चौथा यहाँ पे तितिक्षा अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापक नाम रूपयो अधिष्ठानम बुद्धि बोध्यम बुद्धेर्दृप्यत्व निर्मलम अपारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्येक परम तदेव अहन्नमत्तो नीति में निश्चिता मति। नमस्ते, धन्यवाद।